भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार ने शनिवार को नाहन में दशमेश रोटी बैंक के तहत गरीब लोगों को राशन वितरित किया। इस दौरान शांता कुमार ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में भले ही गरीबी हो, मगर हिमाचल प्रदेश की तुलना अमीर राज्यों में होती है। नाहन में शांता कुमार ने दशमेश रोटी बैंक के तहत गरीब लोगों को राशन वितरित किया। इस मौके पर शांता कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं, मगर हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। शांता कुमार ने दशमेश सोसाइटी द्वारा संचालित दशमेश रोटी बैंक के तहत करीब 2 दर्जन परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया। शांता कुमार ने दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा किए जा रहे इस समाज सेवी कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि नरसेवा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, ऐसे में सिख समुदाय के लोगों द्वारा पात्र लोगों को निशुल्क राशन देना सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय का समाज सेवी कार्य में हमेशा ही अहम योगदान रहा है। गुरुद्वारे में लंगर की परंपरा आज भी गुरुद्वारों की शान बढ़ाती है। वहीं शांता कुमार ने ये भी कहा कि जो सामाजिक संस्थाएं इस तरह का काम कर रही है, उनके सहयोग के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए। मैं सच कहता हूं, मैंने भारत की संस्कृति को पढ़ा, ऋषि मुनियों की बात सुनी और मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि भगवान की असली पूजा मनुष्य की सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा है। और उस दृष्टि से मैं आप भाइयों को, सिख संगत को, सिख भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंदिर भी गया, गुरुद्वारे भी गया, सचमुच गुरुद्वारों की शान, ये लंगर की परंपरा, ये सेवा की परंपरा आपके समाज बड़ी सराहनीय है। और यहाँ पर आप विशेष रूप से ये रोटी बैंक के रूप में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कार्य करने के लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मनुष्य भगवान का मन है और दीन दुखी मनुष्य की सेवा भगवान की असली पूजा है। आप असली पूजा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। और मैं समाज से, सरकार से अपील कर रहा हूं, जहां पर लोग इस प्रकार का पवित्र काम कर रहे हो, वहां सरकार को भी आगे। देखिए, हिमाचल के लोग, हमें ठीक पता नहीं है हिंदुस्तान में कितनी गरीबी है। भगवान की कृपा से हिमाचल प्रदेश भारत के अमीर प्रदेशों में है। कितनी गरीबी है आपको कल्पना नहीं हो सकती। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पिछले साल आई है, उस रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 16 करोड़ लोग भारत वर्ष के रात को आधे पेट सोते हैं। उन घरों में जब बच्चे कहते हुए माँ रोटी दो, तो माँ कहती है आधी रोटी खाओ। इस मौके पर शांता कुमार ने दशमेश गुरुद्वारा साहिब में शीश नवाया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा, राधा रमन शास्त्री, महेंद्रनाथ सोफत सहित कई भाजपा नेता व गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।